नमस्कार, मैं एपी आहूजा एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। मेरा विचार है कि रेन वाटर पॉन्ड्स कंसेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से भी बढ़िया। जैसा कि प्रभु की जो संरचना है, दुनिया को उन्होंने बनाया, वो लगभग हर जगह बारिश का प्रोविज़न रखा है। धरती की किसी भी कोने में बारिश होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जगह। इसका मतलब भगवान ने कुछ सोच समझ की कंसेप्ट बनाया होगा। तो इसका मतलब है कि मनुष्य जो है उस पानी को वहीं पर ज़मीन में एब्जॉर्ब करने का सिस्टम बनाए, ना कि नालों द्वारा या टनल द्वारा कहीं और इकट्ठा करे, फिर उसको नदी में बहा दे और समुंदर भेज दे। इस पानी को अगर वहीं पर एब्जॉर्ब किया जाए किसी भी तरीके से, जो रेन वाटर पॉन्ड्स हैं वो बेस्ट तरीका है। क्योंकि उसका एक फ़ायदा है कि जो रेन वाटर पॉन्ड्स हैं उसमें पानी काफ़ी देर तक खड़ा रहेगा। जो पानी धीरे धीरे ज़मीन में जाएगा उससे वाटर लेवल भी ठीक होगा, हरियाली भी बढ़ेगी, और जो पानी तालाब में है उससे पोल्यूशन भी कम होगा, एयर पोल्यूशन। जैसे डस्ट पार्टिकल हैं वो पानी में बैठ जाएंगे, केमिकल जो एयर में डिसॉल्व हैं वो भी धीरे धीरे उसमें घुल जाएंगे। एक मेरा और भी विचार है, ये जो रेन वाटर पॉन्ड्स हैं ये धरती को गीला करके रखेंगे, और वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल, उसकी डाइपोल करेक्टर है, वो बांधता है, बॉन्ड बनाता है मिट्टी और पानी के साथ, बॉन्ड बनेगा तो मिट्टी जो है उसकी पकड़ आपस में ज़्यादा होगी। अगर सूखा मिट्टी का कण है उसमें आपस में क्लबिंग पावर जो है, स्टिकिंग पावर कम होगी, परंतु गीली मिट्टी जो होगी उसमें स्टिकिंग पावर ज़्यादा होगी। तो स्टिकिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से अगर कभी भूकंप भी आएगा तो उस भूकंप से नुकसान कम होगा, उस इलाके में नुकसान कम होगा, इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक विल बी मिनिमम। ये मेरा विचार है, इसमें रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे दिमाग में आइडिया आया तो मैंने अपने विचार रखे। इसलिए सरकार रिसर्च करे, अगर ऐसा फ़ायदा है तो रेन वाटर पॉन्ड्स जो हैं भूकंप रोकने में भी मददगार हो सकते हैं। इसलिए इस पर चर्चा हो, विचार हो और रिसर्च हो, और अच्छा लगे तो इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर